नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सृष्टि राय। बिहार महागठबंधन में सीएम पद को लेकर जारी खींचतान पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने चुटकी ले ली है। उन्होंने कहा है कि आज जेडीयू में जो चल रहा है उससे नीतीश कुमार की आत्मा कह रही होगी कि बजट के साथ ही उन्हें राजपाट छोड़कर तीर्थ यात्रा पर निकल जाना चाहिए। गिरिराज ने कहा कि आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव भी स्वस्थ होकर आ गए हैं, अब नीतीश की राजनीतिक विश्वसनीयता नहीं बची है। क्या पूरा मामला देखिए इस रिपोर्ट में। पटना पहुंचने पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने तेजस्वी यादव को लेकर चल रही सीएम पद की दावेदारी पर प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने कहा है कि लालू यादव और नीतीश कुमार में यही कमिटमेंट हुआ था कि बजट सत्र के बाद तेजस्वी यादव को गति सौंप देंगे और नीतीश कुमार राज निष्कासन की ओर चलेंगे। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह कह रहे हैं कि 2025 के बाद विधायक ही तय करेगा कि सीएम कौन होगा। आज जेडीयू में जो चल रहा है उससे नीतीश की आत्मा तो अब यह कह रही होगी कि बजट के साथ ही उन्हें तीर्थ यात्रा पर निकल जाना चाहिए था। नीतीश कुमार को जल्द ही राजपाट छोड़ देना चाहिए क्योंकि उनकी दुर्गति होना तय है। इससे पहले गिरिराज सिंह ने दावा किया है कि बिहार विधानसभा का बजट सत्र पूरा होने के बाद नीतीश कुमार सीएम की कुर्सी तेजस्वी यादव को सौंप देंगे। जेडीयू और आरजेडी में यही डील हुई थी। पीएम उम्मीदवार को लेकर शत्रुघ्न सिन्हा के बयान पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि किसी को बोलने से कोई रोक नहीं सकता है, तो वही केसीआर, अरविंद केजरीवाल जैसे तमाम नेता अपने आप को गेम चेंजर समझते हैं। देश में प्रधानमंत्री का पद खाली नहीं है। वही पूर्णिया में महागठबंधन की रैली पर हमला करते हुए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि रैली करने से उन्हें कौन रोकेगा, जहां चाहे वहां रैली करेंगे। सत्ताधारी पार्टियां आरजेडी और जेडीयू में नेतृत्व को लेकर खींचतान बढ़ गई है। जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा है कि 2025 तक नीतीश कुमार ही सीएम बने रहेंगे और फिर विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद विधायक अगला सीएम तय करेंगे। उनके बयान से आरजेडी में बेचैनी बढ़ गई है। अब आरजेडी नेता तेजस्वी यादव को तुरंत सीएम बनाने का दावा करने लग गए हैं। ऐसे में दोनों पार्टियों के बीच आने वाले दिनों में भारी घमासान देखने को मिल सकता है। अभी तक के लिए बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहिए कैपिटल टीवी बिहार के साथ। नमस्कार।